Welcome to our class. We all classes English grammar. आज tense के बारे में अध्ययन करेंगे. देखिए students, आपने उस दिन nouns के बारे में आपको बताया गया था, ठीक? Verbs के बारे में बताया था, okay? और PG के बारे में बताया था, ठीक? आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. टेंस जो है वो तीन प्रकार के होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो बीता हुआ कल, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला कल, उसकी चर्चा करेंगे. का मतलब होता है काल, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल. ठीक, ओके. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की, पास्ट की. पास्ट यानी यस्टरडे, यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल, जो बीत चुका है ना, जो समय, उसकी बात होती है. जैसे कल, ठीक, ओके. कल बुधवार था, ठीक. ये आ गया पास्ट, ओके. फर्स्ट, सेकेंड प्रेजेंट यानी नाउ. प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, ठीक. वर्तमान मतलब आज, गुरुवार, ठीक. नेक्स्ट तीसरा फ्यूचर, एफ यू टी यू आर टी. फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल, कल, ठीक. कल शुक्रवार होगा, ओके. तो मैंने आपको तीन उदाहरण समझाए. तीन उदाहरण में सबसे मेन पॉइंट आता है पास्ट, कल मतलब था. तो फोकस करते हैं, देखो था पे, ओके. नेक्स्ट है तीसरा होगा. इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको इसको बताया जाएगा, ठीक. चलिए, गार 12 टेंसेस फॉर्मूला विद एग्जांपल्स, उदाहरण के साथ जो 12 काल होते हैं उसकी आज चर्चा करेंगे, ठीक. फर्स्ट शुरू करते हैं प्रेजेंट से, यानी आज के वर्तमान से, ठीक है. तो वर्तमान काल में पहला आता है सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड टाइप आता है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये प्रेजेंट के चार प्रकार हैं, ठीक. फर्स्ट आता है प्रेजेंट सिंपल. सिंपल में एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा, इसकी भी तीन टाइप होते हैं. आज हम सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसी से आ जाएगा, ठीक. फर्स्ट, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है. ये आ गया अफर्मेटिव, मतलब जो है. दूसरा नेगेटिव, आई डोंट हैव, मेरे पास कार नहीं है. नेगेटिव यानी नकारात्मक. तीसरा आता है इंट्रोगेटिव, डू आई हैव अ कार. इंट्रोगेटिव क्या मतलब है, प्रश्नवाचक, ठीक. नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ओके. और अफर्मेटिव है स्वीकारात्मक, ठीक, कि मेरे पास एक कार है. तो एक कार का जो उदाहरण है वो तीनों में देखिए.
प्रेजेंट सिंपल या नहीं है, ये शब्द आया। अब सेकेंड इसका जो है टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूस, यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तुम अभी फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, ओके। फिर यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो अभी। आर यू प्लेइंग फुटबॉल नाउ, क्या तुम अभी फुटबॉल खेलोगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव बीन देयर, दे हैवंट बीन देयर, हैवंट मतलब हैव नॉट, ठीक है, ओके। जहां कॉमा लगता है वहां नॉट कहा जाता है, हाँ, दे हैव दे बीन देयर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, I have been living here. I have been living here. I haven't been living here. मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। I haven't been, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। Have they been living here? ठीक, ये तीनों प्रकार के आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पास्ट के बारे। पास्ट सिंपल, इसके भी फर्स्ट फॉर्म पास्ट का, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो अफर्मेटिव वही स्वीकारात्मक, आई लिव्ड इन लंदन, मतलब मैं आई लिव्ड इन लंदन, मैं लंदन में रहता। I didn't live in London. फिर did I live in London? Next, I was playing. मैं खेल रहा था। I wasn't playing. मैं नहीं खेल रहा था। ये नहीं का उच्चारण आएगा। Was I playing? ठीक। मैं खेल रहा था। Next, past perfect. He had worked. वह काम कर रहा था। He had not worked, वह काम नहीं कर रहा था। Had the he worked. I had been watching, मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था। I had not been watching and had I been watching. इसमें मुख्य चीज है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वर्ब का, यहाँ पे वर्ब प्लस ing लगाया है यहाँ, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी आई है, जी का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये आ गया, ये पास्ट के उदाहरण। नेक्स्ट आता है फ्यूचर, फ्यूचर है ना भविष्य। इसके भी पहला प्रकार सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई विल कम, मैं आ रहा, मैं आऊंगा। I will come, मैं आऊंगा। फिर I will not come, मैं नहीं आऊंगा। Will I come in? मैं आ सकता हूँ। Future, I will be playing basketball, मैं basketball खेलूंगा। ठीक, I won't be playing basketball, मैं नहीं खेलूंगा। Will be playing basketball, क्या मैं खेल सकता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव फिनिश्ड, उसने अपना काम फिनिश पूरा कर लिया। नॉट यानी नहीं किया, विल ही हैव फिनिश्ड, वो करेगा। ही फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव बीन स्टार्टिंग, है चालू करेगा काम। वी विल यानी हम नहीं करेंगे, विल वी हैव बीन स्टार्टिंग। ये आ गया फ्यूचर के। देखिए आपको पारा जो है टेंस की जो फॉर्म है आपको उदाहरण से समझाएं, आपको कॉपी में अपनी चार्ट बना के लिखना है, याद करना है। ठीक, थैंक यू सो मच।